So see you guys in my next video. What? क्या हुआ था साइड क्यों है? I didn't know कि रे मिस्टीरियो जो है हर जगह ही मास्क पहनता होगा. तो वो तो पता ही था. लेकिन इसका ये मतलब है कि वो हर जगह ही मास्क पहनता होगा. नहीं, आई थिंक किचन में तो मुश्किल ही है कि वो पहने. किचन की बात नहीं कर रहा था मैं, बट खैर यार मामी से मिलवाने ले गया. बट फिर वो भी तो है, रिलेशन अभी तो बिल्ड करना होता. अरे कहाँ का रिलेशन, रिलेशन तो हमारे जमाने में बिल्ड किया जाता था जब एक लड़की को पत्नी बना के ले जाया जाता था मामी से मिलवाने. ये नहीं कि भाई नई मामी ही लिया है मामी से मिलवाने के लिए, ये क्या रिलेशन है? अभी तो एक बात बता, रिया रिप्ली में दिक्कत ही क्या है? दिक्कत तो कोई है ही नहीं. मैं तो ये सोच रहा हूँ कि रिया रिप्ली कितनी ही अच्छी होगी कि डोमिनिक मिस्टीरियो इतना लट्टू हुआ पड़ा उस पर. अच्छा, तो फिर डोमिनिक की ओरिजिनल मम्मी? मम्मी मम्मी तो पूछो ही मत, मम्मी तो छोड़ ही दो. मेरे को लग रहा है एज अ वाइफ तो मेरी सबसे विनती है कि कृपया करके ऐसा तो ना बने कि आपका पति पिट रहा है और आप कुछ नहीं कर रहे हो, खड़े होके सिर्फ चिल्ला रहे हो. कृपया ऐसा ना करें. अबे चल ठीक ही है ना, हम तो WWE फैंस हैं, उसके पर्सपेक्टिव से देख बढ़िया ही था सब कुछ. हाँ, उस पर्सपेक्टिव से सही था. आफ्टर ऑल सर्वाइवर सीरीज का मौसम चल रहा है और रॉ वर्सेस स्मैकडाउन इन्वेजन के नाम पे ये मिल गया था, आई थिंक ठीक ही है हमारे लिए. और एज अ सेगमेंट आई थिंक इट वाज वेरी गुड, बट प्रैक्टिकली इतना पॉसिबल नहीं है. मतलब समझ रहे प्रैक्टिकल कैसे अपने बाप? नहीं 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 मैंने अंकल की बॉडी वैसे देखी हुई है और अगर ऐसा कुछ यहाँ पे हो गया तो फिर ओके. आई थिंक ज्यादा बेइज्जती हुई है, इसके पहले बेइज्जती ज्यादा. और रेसल चैटर के चैनल पे जाओ और पूरी वीडियो एंजॉय करो.